गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। धूपगिरी इलाके में बीती रात में एक ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार सुबह मालदा जिले के अंचल में एक भाजपा कार्यकर्ता के घर की खिड़की के पास ताजा बम बरामद किए जाने की घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके में ताजा बम बरामद किए जाने की घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बमों को अपने कब्जे में लिया और इस घटना की जांच शुरू कर दी। कोलकाता में किराया बढ़ाने की मांग पर 28, 29 और 30 जनवरी को बस हड़ताल की घोषणा की गई है। ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट ने आज ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पुरुलिया के हुटमुड़ा फुटबॉल ग्राउंड से बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी माओवादी दल से भी भयंकर है। ममता बनर्जी ने कहा कि केवल बीजेपी ही झटका नहीं दे सकती, हम भी ये दे सकते हैं। वे डर दिखाकर झूठ को सच करवा रहे हैं। दक्षिण कोलकाता के बाद खेजूरी में भाजपा नेता शुभेंद्र अधिकारी की सभा में पहले जमकर बमबाजी हुई। सभा के पहले भाजपा समर्थकों ने बाइक रैली निकाली थी। आरोप है कि तृणमूल ने भाजपा समर्थक पर हमला किया और बम भी फेंके। इस हमले में कई भाजपा समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वेब सीरीज तांडव पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच गई है। लखनऊ के हजरतगंज से 4 पुलिस अधिकारी मुंबई पहुंच गए हैं। पुलिस के अधिकारी तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अमेजन की हेड अपर्णा पुरोहित, प्रोड्यूसर हिमांशु किशन मेहरा और लेखक गौरव सलांकी से पूछताछ करेगी। संसद के बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। वहीं 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को ये जानकारी दी। कोरोना वायरस के चलते ये सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। फिल्मकार साजिद खान पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने लगाया है। शर्लिन ने फिल्मकार साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने खुलासा किया है कि साजिद खान ने उनके साथ अश्लील हरकत की थी। सड़क सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए भुवनेश्वर में महिला पुलिस स्कूटर रैली का आयोजन किया गया। राइव का उपदेश 32वीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के हिस्से के रूप में हेलमेट पहनने के महत्व पर महत्वपूर्ण जानकारी फैलाना भी था। एक हेलमेट पहनने से गंभीर दुर्घटनाओं और मौकों पर होने वाली मौतों से बचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पंजाब से पहुंचे 3 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों किसान की ऐतिहासिक रिज मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ बैठक आयोजित करने पर निषेध आज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि रिज मैदान पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। भारत की तरफ से सबसे पहले भूटान को आज सुबह कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज भेजे गए हैं। ये वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुधवार सुबह भूटान के थिम्पू के लिए रवाना की गई। मध्य प्रदेश के लव जिहाद कानून के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है। यह मामला प्रदेश के बरवानी जिले में दर्ज किया गया है। यहाँ एक 22 वर्षीय युवती ने 25 साल के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। शिक्षा मंत्रालय ने जी मेन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जी एग्जाम वर्ष 2021-22 के लिए 12वीं कक्षा में 75% मार्क्स होना जरूरी नहीं होगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक विशेष रूप से विकसित रक्षिता को लॉन्च किया है। जब घने जंगल जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान घायल जवानों को तत्काल मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, उस समय ये काफी मददगार साबित होगी। अगर फील्ड में ऑपरेशन के दौरान कोई कमांडो घायल हो जाता है तो वहाँ वो उसकी मदद के लिए बाइक एम्बुलेंस तैयार रहेगी। इन्हें रक्षिता नाम दिया गया है। चीन में एक नई हाई स्पीड मैगलिव ट्रेन के लिए एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जो 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। दक्षिण पश्चिम जियो ओंतांग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई इस ट्रेन में पहिए नहीं हैं। इसकी वजह मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन को उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग तकनीक के साथ विकसित किया गया है, जो मैग्नेट का प्रयोग करता है। आज के फास्ट 15 में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।